शहर में कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। यही कारण है कि प्रशासन ने सख्त लॉकडाउन का निर्णय लिया। रेस्टोरेंट और होटलों को 11 बजे तक केवल होम डिलीवरी करने की छूट दी गई है। बावजूद इसके पूनम चेंबर परिसर में स्थित मैकडोनल्ड्स और डोमिनोज ने नियमों की धज्जियां उड़ते हुए ग्राहकों को खाद्य पदार्थ उपलब्ध करवाए जा रहे थे। दोनों आउटलेट पर डिलीवरी बॉय की भीड़ लगी थी। न तो सोशल डिस्टेंसिंग थी और न मास्क का पालन किया जा रहा था। ऐसे में डीसीपी जोन 2 विनीता शाहू ने यहां छापा मार दिया। लोग अपनी कार में बैठकर पिज्जा और बर्गर का आनंद लेते हुए दिखाई दिए। शाहू ने तुरंत सदर पुलिस थाने का स्टाफ बुलाकर दोनों आउटलेट सील करने के निर्देश दिए। इतना ही नहीं, जोमैटो के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। शाहू ने बताया कि जीवनावश्यक सामग्री छोड़कर सभी संस्थान शनिवार और रविवार को बंद रखने के आदेश प्रशासन द्वारा दिए गए हैं। रेस्टोरेंट और होटल को केवल होम डिलीवरी करने की अनुमति मिली है। सीपीएम मितेश कुमार ने खुद सभी से नियमों और दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की। जब वे पूनम चेंबर पहुंचे तो मैकडॉनल्ड और डोमिनोज के सामने गाड़ियों की कतार लगी हुई थी। लॉकडाउन के बावजूद यहां लोगों का जाम रहना आश्चर्य की बात है। जांच करने पर पता चला कि दोनों संस्थानों द्वारा ग्राहकों को कार में ही सर्विस दी जा रही थी। ग्राहकों को ऑनलाइन फूड ऑर्डर करने को कहा गया था, लेकिन खाद्य पदार्थ वही उपलब्ध करवा चारे थे। ऍक्च्युली आता जे लॉकडाऊन लावण्यात आलेलं आहे त्याच्या पूर्णपणे हे स्पष्ट करण्यात आलेलं आहे। माननीय सी पी साहेबांची ब्रीफिंगमध्ये सुद्धा सर्वांना सांगण्यात आलेलं आहे। तसेच माननीय NMC कमिशनर साहेबांचे जे सर्क्युलर्स आहेत, आदेश आहेत, त्याच्यातही हे सर्व जे आहेत क्लिअर करण्यात आलेलं आहेत की जे इटिंग हाऊसेस आहेत, रेस्टॉरंट्स आहेत, त्यांना ऑनलाईन डिलिव्हरीची मुभा आहे। ते रात्री 11 वाजेपर्यंत ऑनलाईन डिलिव्हरी करू शकतात। पण काही रेस्टॉरंट याचा गैरफायदा घेत आहेत। टेक अवेची सुविधा उपलब्ध नसताना ते काही गाड्या वगैरे जे आहेत त्यांना आपल्या परिसरामध्येच त्यांना अलाव करतात आहेत, त्यांना तिथेच फूड सर्व करत आहेत। आणि त्याच्याकरिता ते झोमॅटोचे जे डिलिव्हरी बॉयज आहेत त्यांच्यामार्फत त्यांना फूड सर्व करत आहेत। तर हे अजिबात अलाउड नाही आहेत। इट वॉज एम्पली मेड क्लिअर की अशा प्रकारचं टेक अवे, पार्सल घेणे आणि परिसरात गाडी लावून जेवण घेणे हे सगळं अलाउड केलं जाणार नाही। तरी दोन रेस्टॉरंट सदर पोलीस स्टेशनची हद्दीत पूनम चेंबर्स कॉम्प्लेक्स येथे स्थित मॅकडॉनल्ड्स आणि डॉमिनोज हे दोघेही रेस्टॉरंट हे जे गाईडलाईन्स आहेत त्याच्या व्हायलेशन करताना दिसून येत आले आणि त्यांच्यावर कारवाई करण्यात आलेली आहे, गुन्हा दाखल करण्यात आलेले आहेत। त्याचप्रमाणे पोलिसांची कारवाईवरून NMC ने सुद्धा ऍक्शन घेतला आहे आणि दोघही परिसर सील केले आहे। लोक गाडियों में बैठकर आनंद ले रहे थे। झोमॅटो के कर्मचारी बिना मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किए बगैर दोनों आउटलेट के सामने भीड़ लगाकर खड़े थे। पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम के जरिए हड़काने पर लोग वहां से भागे। नागरिकों को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। कठिन समय में इतनी लापरवाही सही नहीं है। कोविड के दिशा निर्देशों की अवहेलना सहित विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया जा रहा है। कैमरा पर्सन माइकल के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN News, नागपुर।